सो आते हैं अपने टच रिस्पॉन्स टेस्ट पे एंड देखते हैं कि एफपीएस गिराने से कोई फर्क पड़ता है कि नहीं। दोनों ही डिवाइस 60 एफपीएस पे सेट है एंड अब देखते हैं फर्स्ट राउंड पे कि कौन जीतता है। सो गाइस आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। अब आज इस वीडियो पे हम अपने क्विक टच रिस्पॉन्स टेस्ट करेंगे ROG 3 वर्सेज आईपैड मिनी 5 का। अब डिमांड थी कि ROG 3 को 60 एफपीएस पे सेट करके आईपैड मिनी 5 के साथ टेस्ट करो यही टच रिस्पॉन्स का। तो अब देखते हैं कि क्या रिजल्ट्स आते हैं आज। अब ये देख सकते हो हाथ पे ROG 3 है अपना और ये टेस्ट हम करेंगे KR वर्जन पे अपने। अब ये नीचे वाला भी देख लो अपना आईपैड मिनी 5 है। अब इसको पीछे साइड से भी देख लो ताकि बंदे ना कहने लगे कि कोई और आईपैड उठा लाए। ये देख सकते हो मिनी 5 है ये वाला। अब टाइम ना वेस्ट करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। बट उससे पहले अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सपोर्ट करो यार। और भी वीडियो लाएंगे ऐसे एंड वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लास्ट पर लाइक जरूर करते हुए जाना। अब सबसे पहले तो आप ये देख लो कि अपने ये दोनों ही डिवाइस एक ही नेटवर्क से कनेक्ट हैं। अब ये देख लो ऊपर अपना ROG 3 भी पोको से कनेक्ट है एंड आईपैड मिनी 5 भी पोको से कनेक्ट है अपना। अब यहाँ एक्स मोड भी देख सकते हो ऑन है। अब अपने ग्राफिक्स भी सेट कर लेते हैं 90 FPS से 60 FPS पे। तो ये देख सकते हो 60 FPS पे ROG 3 के ग्राफिक्स सेट कर लिए हैं। एंड अब आ जाते हैं अपने मेन टेस्ट पर, टच रिस्पॉन्स के टेस्ट पर एंड देखते हैं कि यार कौन किसको बीट करता है। अब लास्ट वीडियो पे आप लोगों ने पिंग का बहुत लोचा किया था तो सबसे पहले यार ये पिंग के देख लो अपना ROG 3 पे 96 का पिंग है एंड हेलमेट वेस्ट वगैरह सब कुछ देख लो यार फिर मत कहना। एंड आईपैड मिनी 5 पे भी अपने 100 का पिंग है, मतलब दोनों का ही 90 100 90 100 इतना ही है, बिल्कुल नॉर्मल पिंग है बिल्कुल सेम। और हेलमेट वेस्ट वगैरह इसके भी देख लो। अब ग्राफिक्स भी दिखा देते हैं, दोनों ही 60 FPS पर सेट है अपना। ये ROG 3 देख लो ये एक्सट्रीम पर सेट है अपना 60 FPS पर एंड ये अपना आईपैड मिनी 5 भी एक्सट्रीम पर सेट है 60 FPS पर। अब देखते हैं यार फर्स्ट राउंड पर टेस्ट करके कि कौन जीतता है यार। अब FPS गिराने से देखते हैं फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता टच रिस्पॉन्स टेस्ट पे। सो यहाँ फर्स्ट राउंड पे फिर से अपना ROG 3 जीत चुका है आईपैड मिनी 5 से। अब ये देख लो इसकी वेस्ट कुछ 50% डैमेज हो चुकी है ROG 3 वाले बंदे की। एंड स्लो मोशन करके आप लोग मत देखो, मैं खुद दिखाता हूँ क्योंकि कुछ बंदे होते हैं यार बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल के। अब ये पहले स्लो मोशन पे देख लो अगर इस पे भी विश्वास नहीं तो आगे एक और फोटो देखने मिलेगी वो भी देख लेना। अब ये देख लो दोनों पे ही साथ में दबाया है एंड यहाँ ROG 3 वाला बंदा जीत चुका है। एंड अभी भी विश्वास नहीं हो तो ये एक फोटो ये रही, ये देख लो आप लोग यहाँ पे ब्लड के मार्क आ रहे हैं आईपैड मिनी 5 पे। उस पर पहले टच रजिस्टर हुआ था बट फिर भी ROG 3 वाला बंदा पेल चुका है आईपैड मिनी 5 वाले बंदे को। अब अगर अभी भी कोई बंदा बोलेगा ना यार तो अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता यार, भाई नेक्स्ट लेवल हो आप, बिल्कुल ही नेक्स्ट लेवल। अब आते हैं नेक्स्ट राउंड पे एंड यहाँ पे देख लो आईपैड मिनी 5 पे बिल्कुल फ्रेश बंदा खड़ा है नया का नया। पिंग विंग सब कुछ देख लेना यार, बिल्कुल 100 90 100 ऐसे ही चल रहा है, दोनों पे सेम ही पिंग है। एंड ROG 3 वाला बंदा भी देख लो 50% डैमेज वेस्ट के साथ है जो कि हुआ था फर्स्ट राउंड पे। अब देखते हैं सेकेंड राउंड पर कि कौन जीतता है। सो यहाँ सेकेंड राउंड पर भी अपना ROG 3 जीत चुका है एंड अब वेस्ट इसकी पूरी 100% डैमेज हो चुकी है। अब मैं स्लो मो नहीं कर रहा यार, खुद करके देख लेना वरना बहुत ही ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। मुझे बनानी नहीं थी यार इतनी लंबी वीडियो, छोटी सी बनानी थी बट प्रूफ देना पड़ता है यार, प्रूफ के बिना कहाँ मानती है यार जनता। सब देख लेते हैं यार थर्ड राउंड पे कौन जीता है एंड इसकी वेस्ट देख लो पूरी खत्म हो चुकी है ROG 3 वाले बंदे की। एंड यहाँ पे आईपैड मिनी 5 पे बिल्कुल नया बंदा खड़ा है और पिंग विंग देख लेना यार फिर से सब कुछ। सब देखते हैं यार थर्ड राउंड पर कौन जीतता है। अब एक बार और देख लो यार वरना फिर क्या बोलूँ यार, मैं इस बार कुछ ज़्यादा ही बार दिखा दिया, ये देख लेना सब कुछ पिंग विंग। अब देखते हैं यार थर्ड राउंड पे कौन जीतता है। से यहाँ थर्ड राउंड पे अपना आईपैड मिनी 5 वाला बंदा जीत चुका है क्योंकि उसके पास वेस्ट नहीं बची थी ROG 3 वाले बंदे के पास। से यहाँ बोला जाए तो ROG 3 बीट कर चुका है यहाँ पे आईपैड मिनी 5 को टच रिस्पॉन्स के टेस्ट में, बट परफॉर्मेंस आईपैड मिनी 5 की ही अच्छी है ओवरऑल देखी जाए तो।
सो गाइस इतना ही कुछ था यार इस वीडियो पे। एंड K9 के भी देखे जाएं तो सेम ही रिजल्ट्स थे जो कि मैंने डाले थे उस पे फुल कंपैरिजन वीडियो पे। सो उसको देख लेना, वही रिजल्ट थे यार, इस वजह से मैंने डाला नहीं वीडियो फालतू की, मुझे लंबी नहीं करनी थी। सो अब वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना, एंड बहुत प्रूफ दे लिए इस वीडियो पे। अब क्या ही बोलूँ यार, नेक्स्ट लेवल के बंदे कभी कभी मिलते हैं ना। तो चलो हटाओ यार, कोई बात नहीं। सो इस वीडियो का लाइक गेम हम रखते हैं 600 लाइक्स का, ज़रूर से करवा देना जब अगर वायरल नहीं हुई वीडियो तो। सो मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो पे, एंड कमेंट में बताना कि कौन सी वीडियो चाहिए, वो भी बना देंगे अगर डिवाइस अवेलेबल रहे तो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।